हेलो विशाल, हेलो विशाल, आवाज येतोय? हेलो विशाल, विशाल हेलो येतो आहे आवाज? हेलो हाँ हाँ येतो आहे का आवाज? हेलो ट्रैवल हाँ, हाँ ट्रैवल कर जाना गाड़ी गाड़ी पर वाला आहे गाड़ी का? चालू था मैं गाड़ी ओके, हाँ एक थोड़ा वेळात एक घरी पोहोचशील ना? हो आम काही पॉइंट्स आज तुला बोलायचे आहेत. ठीक आहे मॅम हाँ, तो किती वेळ लागेल घरी पोहोचायला? मॅक्सिमम अर्धा तास लागते मॅम ठीक है पोच कंटिन्यू कर, पोचल्यावर मला आवाज दे इथे झूम मध्ये. ठीक आहे मॅम ठीक आहे लगते थोड़ा है. मैंने होटल बुक तो कर रखी है. हेलो शर्मा सर. हाँ नमस्कार नमस्कार सर सर, आवाज आ रही है क्लियर हाँ आवाज आ रही है मेरी? तो जैसे ज्वाइंड होते हैं अपने किसान भाई, हम तुरंत चालू कर देते हैं. अच्छी बात शर्मा सर, आपको एक जी पूछना था. हमने हेलो ऑफिस में ना चार गमले में कपास का झाड़ लगाया हुआ है, तो हाँ जी उसकी हाइट ना ज्यादा बढ़ रही है दो प्लांट की, तो हाँ तो उसको किस उसका पा तरीके से कहाँ तक कट किया जाए? मैं उसकी कुछ फोटोज आपको शेयर करती हूँ व्हाट्सएप पे. ऐसा है कि जैसे ही वो जो है ना उसकी हाइट 5 फीट की हो ऊपर से सिर तोड़ दो मतलब उसका 5 फुट की अगर हो जाए तो उसका सिर तोड़ देंगे. हाँ बस आपके कंधे को छूने लगे और उसका सिर तोड़ दो आप ये देखो अभी सामने दिख रहा है आपको? नहीं अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा
स्क्रीन किया था मैंने, स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? मतलब देखता हूं मैं। हाँ दिख रहा है। हाँ बस इसका जो है ऊपर का सिर तोड़ दो आप, है ना, डिटॉपिंग कहते हैं इसे, है ना। ये जो लगेगा है, ये। हाँ हाँ ये बिल्कुल, फूल वूल आने लग जाएंगे इस पे, और ब्रांचे भी होगी वगैरह। ओके। ये हाथ से ही कट कर सकते हैं, कैसे करना है? चलेगा हाँ, हाथ से चक्कू ना? लेके, और उसका टॉप जो है ना तोड़ दो मकई। ये कितना इंच में कट करूं इसको? मतलब 5 फीट से अबव नहीं जाना चाहिए, कंधे से ऊपर। हाँ ओके, कंधे से 5 फुट के ऊपर नहीं जाना चाहिए ये जो है ना, अपनी एक प्रैक्टिस में मैं बताता हूँ ना इन लोगों को, तो कि भाई 5 फीट से कंधे से ऊपर मत बढ़ने दो कपास ये। को, हाँ ओके, तो इसको डीटोपिंग कहते हैं। मतलब और दूसरे जो झाड़ है ना जी उसको बॉल्स लगे हुए हैं। हाँ ठीक है, फिर भी तोड़ दो आप तो ऊपर से, ये बोल लग रहे हैं देखा हाँ मैंने। तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से तोड़ दो आप सिर जो है ना ओके। उसका। हाँ, हाँ वो और जो है ये बॉल्स बॉल्स, अच्छे आए, स्ट्रॉन्ग झाड़ हो, उसके लिए क्या दूँ मैं इसको? ये तो आपके आपने गमले में वैसे ही लगाया है झाड़ हाँ के सर, लिए। ऐसे ही लगाया है। हाँ वैसे ही लगाया आपने, बीज मिल गया आपने लगा दिया। तो वैसे इसको खाद वगैरह भी देते हैं। हाँ सर, हाँ खाद वगैरह देते हैं और वो करते हैं, तो इसलिए जो है आप तो जो है कुछ नहीं, थोड़ा सा जो है इसमें आपके यहाँ गोबर वोबर होता होगा ना, हाँ मिलता है। मिलता थोड़ा सा गोबर, और उसमें जो है पानी में घोल करके और उसको जो है अच्छा पतला करके और उसमें दे दो आप, अच्छा बढ़ेगा। ओके सर, ठीक हेलो, हाँ बोला, मैं अपन कौन हाथ, मतलब नाव समझल का? सतीश बावने, बल्लारपुर फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी। ओके ओके सर, नाव ये इतना होता ना इतने, ठीक है मैं रिनेम करते। अजून कोणी शेतकरी आहेत आपल्या सोबत जॉईन?
सतीश सर, हेलो सतीश सर, हॅलो, हाँ आपला इथून अजून जॉईन होत आहेत का शेतकरी? होतील ना मॅडम? आता आपण मेसेज तर टाकले आहे भरपूर. ओके, मग तुम्ही मला सांगा, आपण एक 5 मिनिटं वाट बघू आणि सुरू करूया, मग ते आपल्याला जॉईन करतील. सरांना पाठवतो. आहे बसले चहा पिऊन. घ्या, कापूस वरची मीटिंग आहे मुंबईची. घ्या, हो घे हो रे चालेल ना, आपण नंबर. वाट बघूया आपला त्यांची 5 मिनिटं. नंबर घ्या, हे दे स्टॅपल रे. मग जायचं आहे लवकर, जायला घ्या ना. काय चहा पिऊन तर करा काय बस म्हणत होता. ठीक आहे, हे झाले दोन. मग याला भूक पाहावं लागेल त्यांना. दाबा ना. साला एवढा त्रास देत आहे की नाही आपल्याला? हा कंचनी वाला एवढा त्रास आहे की नाही? कमच नाही करत. अबे बनव बनना बे, चहा संपलाय तर मग बनवत नाही का बे चहा? बे दुसरा नाही का कोणी बनवणार? इकडे आण याच्याकडे आहे का रे? हा नवीन झालेला.
हेलो सतीश सर, सतीश सर हाँ बोला। हाँ अपन शुरू करायचं का वेबिनार? चला करा करा करा। किती लोक ज्वाइन झाले अजय, मॅडम? आता अजय सर म्हणून दिसत आहे आणि शिवाजी म्हणून कोण दिसत आहे? बरं अजून विशाल एक आहे तो आमच्या टीम मधून आहे, बरं आणि भरत खंडाळकर म्हणून एक दिसतंय, तेही आमच्या टीम मधून आहे. आता आपण मॅसेज स्टार्ट टाकले करा. मॅडम, पण आता लोकांना ऐकण्याची ठीक सवय आहे, नाही। आता किती नाही लोक? सर, काय हरकत नाही, आपण सुरू करू, ते आपल्याला जॉईन करतील. ठीक ठीक चला चालेल. प्रोसीड। हो शर्मा सर, चला, कशाची मीटिंग आहे? कॉटन वर दिला आहे समान आहे का? कॉटन हाँ कल्चर। बोलिए हाँ सर सर. हाँ नमस्कार। सर, अभी हम चालू करते वेबिनार. जी जी सतीश सर, एक रिक्वेस्ट है, अपन जे काय संभाषण करू ते हिंदी मध्ये करूया, कारण शर्मा सर अच्छा आपल्या सोबत बिलवाडा सोबत बिलवाडा मधून चलो जॉइंड आहे. ओके ओके। हेलो ओके. नमस्कार, नमस्कार। मैं कॉटन गुरु टीम से शीतल करपे आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ. आज वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हुए हैं बल्लारपुर एफपीओ में से डायरेक्टर्स और उनके सभी किसान भाई. कॉटन गुरु और ऑल इंडिया कॉटन एसोसिएशन की तरफ से ये खास निवेदन करना चाहती हूँ कि ये बहुत हेलो बड़ी अपॉर्चुनिटी हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं. कस्तूरी ब्रांड जो भारत के कपास से लेकर कपड़े तक एक नेशनल ब्रांड है, उस मुहिम में हम आपको जोड़ना जोड़ने के लिए एक इनविटेशन दे रहे हैं ये वेबिनार के मार्फत. इसके लिए हम टेक्सपोसिल के साथ मिलकर ये वेबिनार कर रहे हैं. इसमें आप भी जुड़िए, क्योंकि कपास में आगे जाके ब्रांडिंग एक अच्छा रास्ता हमें दिख रहा है. यही हम आप एफपीओ को समझाना चाहते हैं. ब्रांडिंग क्यों जरूरी है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है. ब्रांड की कीमत हमेशा साधारण वस्तु से अधिक होती है, और क्यों ये भी आपको अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि उसमें जोड़ने वाली कमिटमेंट, बोले जाते हैं बचने वाले की तरफ से और बनाने वाले की तरफ से, इस प्रमाण में इस तरह स्ट्रक्चर और अंतर्गत माल में बनाएंगे. ये कैसे बनाएंगे, ये कपास से गठान का सफर, ये कैसे बनाएंगे कपास से गठान का सफर हम इस वेबिनार में बताएंगे. अगर आपको प्रात्यक्षिक वर्कशॉप भी करने हैं तो आप हमें कॉटन गुरु टीम को संपर्क कर सकते हैं. ऑल इंडिया कॉटन एसोसिएशन और ऑल इंडिया कॉटन फेडरेशन हमेशा आपके साथ रहेगा. कपास का सफर नफे की तरफ ले जाने के लिए, कपास का सफर नफे की तरफ ले जाने के लिए ब्रांडिंग एक अवश्य साधन है और एक अच्छा मार्ग है आगे बढ़ने के लिए, खास करके एफपीओ को. कस्तूरी ब्रांड टेक्सपोसिल के संग हम आगे ले जाना चाहते हैं किसानों को और एफपीओ को. एफपीओ का बहुत फायदेमंद सौदा इसमें हो सकता है. और सतीश सर, मैं हाँ आपको बोलिए। बताना चाहती हूँ कि कस्तूरी ये ब्रांड, इसके नेशनल बारे पैन में कार्ड? आपने कुछ सुना है इसके पहले? नहीं, अन्नो नहीं हम बुरा। ये एक नया ब्रांड है, गवर्नमेंट के अंदर जो टेक्सपोसिल कंपनी है उन्होंने लॉन्च किया है. इसमें कपास की क्वालिटी कैसी रहती है, इसका स्टेपल लेंथ कैसे नापा जाता है या फिर कितना हो सकता है, इसके बारे में जानकारी आपको देंगे. एक ब्रांड जब भी बनता है उसकी कीमत साधारण वस्तु से कितनी बहुमूल्य है, या फिर साधारण वस्तु की और उसकी कीमत में क्या डिफरेंट है, यह आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है. पता है आपको ब्रांड किसे कहते हैं? हेलो। आपको, हाँ, आपको पता है ब्रांडिंग एक हाँ सिंपल नाम ब्रांड। है. हाँ हाँ, बोलिए ना बोलिए। अगर कपड़े में ब्रांड सुना है तो हम रेमंड का नाम पहले लेते हैं, बराबर रेमंड.
कपड़े का, वही सेम कपड़ा या फिर थोड़ा लो क्वालिटी का कपड़ा जो दिखने में सेम हो, पर ब्रांड, ये नाम रेमंड, ये नाम के वजह से उसकी कीमत बढ़ती है, बराबर। तो कौन आपको हम ये मार्गदर्शन करेंगे कि अच्छे क्वालिटी का ढूंढे कपास किस तरीके से उगाया जाए, हमारे। कपास की गठान कैसे बनाई जाए, और उसको कस्तूरी ब्रांड तक कैसे ले जा सके, इस प्लेटफॉर्म तक हम कैसे ले जा सके आपको, ताकि किसान को ये जानकारी हो कि अच्छा कपास कैसे उगाया जाए, और एपीओ को ये मार्गदर्शन दे हम कि आप अच्छी तरीके से गठान कैसे बने, और आपने खुद ने उगाया हुआ कपास को एक ब्रांड कैसे दे। ये प्लेटफॉर्म हम आपके सामने इस वेबिनार के मार्फत ले आए हुए हैं। तो अभी वेबिनार में आगे मैं पुरुषोत्तम शर्मा सर को बुलाना चाहती हूँ, इनवाइट करना चाहती हूँ। पुरुषोत्तम शर्मा सर के बारे में जितना बोला जाए वो बहुत कम है। खेती में और अलग-अलग प्रयोग करने में सर बहुत सक्सेस हुए हैं, और उनको बहुत सारे अनुभव भी है। कम लागत में अधिक उपज कैसे ली जा सके, और रोगों में आने खेतों में आने वाले रोगों पर घरेलू उपचार मिला कैसे कर सके, इस पर है पुरुषोत्तम शर्मा सर हमें मार्गदर्शन करेंगे। शर्मा सर, ना। हाँ नमस्कार, ये सर थोड़ा नमस्ते। परिचय दे दीजिए, वहाँ कौन कौन सी फसलें होती है, क्या होता है वगैरह, तो एफपीओ का जो है। सर हेलो हमारे यहाँ कपास होता है मेजोरिटी में, जी, और उसके साथ साथ चिली है, रेड चिली एंड ग्रीन चिली। वो तो रेड तो सूखने के बाद हो जाती है, ग्रीन चिली होती हाँ है। नहीं, हाँ कुछ लोग डायरेक्ट रेड वाली लगाते हैं, कुछ लोग ग्रीन वाली भी बेच के बाद में रेड करते हैं, ऐसा एक दोनों टाइप चलता है। देखो वही, अब जो माली लोग हैं, जो बेचने वाले हैं, जो बाजार में बेचने वाले हैं, वही खरीद करते हैं। बाकी जो साधारण काश्तकार जो है, वो जो है रेड चिली, वो उसको सुखा करके ही बेचेगा, हाँ हाँ क्योंकि हाँ वो रोज मार्केट में नहीं जाता। नहीं हाँ नहीं बराबर हाँ सर, बराबर। और क्या होता है। तो बाकी इसमें खरीफ में तो यही ज्यादा है। हाँ कपास ही होता है। रबी अच्छा में आप, अभी चना। अच्छा चना हो रहा हाँ है तो अच्छा। मैं जो है, ये कपास आप कितने कितनी दूरी पर बोते हैं भाई, पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी कितना रखते हैं? 3 3 फुट पे, 3 फुट पे, 3 फीट भाई, 3 फीट तीन। हाँ है ना? हाँ अच्छा, जी चलो मैं पहले तो ये बताऊंगा कि कपास को अधिक उपज लेने के लिए क्या करना चाहिए, फिर ये बताऊंगा कि आप जो है ना खर्चों में कटौती कैसे कर सकते हैं, और तीसरा बताऊंगा कि ये आपके जो गुलाबी बोंडी बोंडी बोलते हैं ना, गुलाबी बोंडी को से बचाव कैसे कर सकते हैं। जी तो पहले तो आपसे और साथ में जुड़े हुए किसान भाइयों से मेरी राम राम, राम राम, नमस्ते। नमस्ते, राम 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 राम। हमारे गांव में अगर राम राम ज्यादा करते हैं तो हाँ इस हमारे हिसाब से मैं भी जो है ना आपसे राम राम कर रहा राम राम, राम राम बोलिए। हूँ। हाँ, ऐसा है कि कपास की जो 5 6 मंत्र बताऊंगा आपको, जिससे आप उपज बढ़ा सकते हो। अभी मैंने आपकी 3 4 वेबिनार में देखा वगैरह, कुछ काश्तकार आपके यहाँ जो है 5 बाई 1 पर लगा रहे हैं, कोई 4 बार 4 बाई 1.5 पर लगा रहे हैं। तो हाँ देखो ऐसा है कि ये जो कपास है, वो विदेशों में जहाँ अपन से हिंदुस्तान से चौगुनी पैदावार हो रही है 1 एकड़ में, तो या 1 हेक्टेयर में वो 1 लाख पौधे लगाते हैं। कितना? 1 लाख एकड़। पौधे लगाते हैं।
एक हेक्टेयर में ढाई ढाई एकड़ ढाई का एकड़ एक हेक्टेयर होता है, हाँ और अपने यहाँ आप जो अभी 3x3 का जो बताया है वो 12,400 पौधे के करीब लगते हैं। तीन तो बाय भाई तीन में, एक जो है ना एक चार, हाँ 3x3 में, ये तीन बाय ढाई डेढ़ है ढाई हमारा, एकड़ मतलब में। तीन बाय डेढ़। आगे सुन लीजिए फिर बाद में आपकी सब बात करूं। तो एक चार मंजिला मकान और उसमें केवल दो आदमी रहो तो भाई उसकी सफाई नहीं होगी, बिल्कुल बराबर। है ना। तो जो जमीन आपकी ज्यादा पौधे मांग रही है, ज्यादा पैदावार आपको लेनी है, तो आप जो है कम पौधे क्यों लगा रहे हो। तो इसलिए एक योजना पूरे हिंदुस्तान में चल रही है इस साल, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आपके यहाँ भी चल रही है, नागपुर उसका केंद्र है। हमारे एक साथी जो है ना वो गोविंद जी विराले, उसके जो है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, जैसे मैं भीलवाड़ा में हूँ। तो हाँ पिछले साल हमने ये चालू किया था, तो पिछले साल हमने चालू किया 3 फीट बाई 1 फीट, है ना, अच्छा 3 फीट बाई 1 फीट। उसमें प्रति एकड़ 2.5 से 3 क्विंटल केवल बीज बढ़ाने से, दूरी कम करने से जो है ना 2.5 से 3 क्विंटल पैदावार बढ़ी। कितना, ढाई से वही तीन कुंटल खा, हाँ वही खाद, वही दवाई, वही पानी, अगर पानी अगर पिला रहे हैं तो वही पानी, थोड़ी सी मेहनत आपकी ज्यादा लगी। अब मैं गणित समझाता हूँ आपको कि 1 एकड़ में 4 पैकेट, मतलब आप 3x3 बोते हैं तो 2 पैकेट लगते हैं, है जी। हेलो हेलो, तो हेलो। हाँ तीन सर बाई बोलिए। तीन पर हाँ 3x3 पर लगाते हैं तो 2 पैकेट लगते हैं, जो 450 ग्राम के जो है पैकेट आते हैं 850 रुपये में। तो इसमें 4 पैकेट लगते हैं और पौधे के 12,400 से बढ़ करके कितने हो जाते हैं, 1 हेक्टेयर में 27,000 पौधे हो जाते हैं। तो अब वो 3x1 में हमने करके देखा पिछले साल, तो उसमें जो है ना 2.5 से 3 क्विंटल पर एकड़ जो है पैदावार बढ़ती है। हम मान लो आपके 2 ही हुआ वगैरह, 2 क्विंटल आपकी पैदावार बढ़ी, तो 2 पैकेट ज्यादा लगे तो उसका क्या कीमत हुई, 1,700 रुपये, 1,700 रुपये 1 एकड़ में ज्यादा लगे, और उसमें लगाने का और उसमें थोड़ी सी मेहनत अगर लगी तो टोटल 3,000 मान लीजिए, और 2 क्विंटल भी आपकी पैदावार बढ़ती भैया, तो 2 क्विंटल के 6,500 के हिसाब से 13,000 रुपये होते हैं। 13,000 में से आप जो है 3,000 निकाल दीजिए, 10,000 तो काश्तकार को केवल बीज बढ़ाने से, पास पास बोने से उसकी पैदावार बढ़ती है। तो पहला मंत्र तो ये है कि पास पास बोइए। मैं ये नहीं कहता 3x1 ही बो दो आप, तो उसकी दूरी थोड़ी कम कर दो, आप 3x1.5 कर दो, 3x जो है 2.5x2 कर दो, कैसे भी करो, लेकिन उसको जो है ना पैदावार आपकी निश्चित रूप से, पहला तो ये है। दूसरा बिंदु ये है कि अगर आपको पैदावार बढ़ानी है तो यो जब जो है आप निराई गुड़ाई करते हैं, खरपतवार जो है समाप्त करते हैं, खुदाई करते हैं उसमें, तो टिलर वगैरह या कुछ भी आप चलाते हैं, तो जो आखिरी जुताई होती है उस समय में आप पौधे के ऊपर मिट्टी चढ़ा दो, डोली बना दो। उस डोली बनाने से क्या होगा, ज्यादा पानी बरसा तो वो जो है नालियों से निकल जाएगा,
और कम पानी बरसा तो वो जो है नमी को बचाएगा, मतलब जो है सूरज जो है नमी को सोखता है। और तीसरा फायदा उससे क्या होगा कि जब हवा जोर से चलती है, पौधा बड़ा हो जाता है, तो वो हवा से टूटने का खतरा होता है, गिरने का खतरा होता है। तो ये तीन चीजें आपको आएगी, दूसरा बिंदु आप। और तीसरा जो सबसे बड़ा बिंदु है जिससे पैदावार है, वो है कि आप कपास का सिर तोड़ते हो क्या? क्यों भैया? हेलो हेलो, हाँ सर, नहीं नहीं तोड़ते हैं। नहीं तोड़ते हो? देखो भैया, आपके यहाँ मैंने अधिकतर फोटो जो महाराष्ट्र के देखे हैं, उसमें छह छह सात सात फीट की कर देते हो। हाँ तो आप जो है ना, आपको पैदावार लेनी है कि उसको छह छह सात सात फीट की हवा चलेगी तो टूट जाएगी, हाँ वैसे भी होगा। तो जैसे ही आपके कंधे को छुए पौधा, मतलब 5 फीट, 4.5 फीट की जैसे ही हो, उसका सिर तोड़ दो। और एक मशीन भी आती है, हाँ ये इनके जो है कॉटन गुरु ने मशीन भी जो है बहुतों को दिला रखी वगैरह, तो उससे जो है ना, जैसे ही 5 फीट का हो, 4.5 फीट का, उसका सिर तोड़ दो। उससे क्या होगा अच्छा कि एक, हाँ, नीचे जो है वो शाखाएं फूटेगी, और नीचे शाखाएं फूटेगी तो ज्यादा फूल आएंगे, ज्यादा आपके डिंडू मतलब वो जो बोल बोन कहते हैं वो बोल लगेगी। तो हमें तो पैदावार लेनी है ना, तो इसलिए। अच्छा, इसके अलावा भी क्या है कि एक चमत्कार नाम की दवाई आपके यहाँ भी चल रही है, हमारे यहाँ भी इस साल चालू की है। तो अगर 55 60 दिन की जैसे ही फसल हो, वो जो आपकी 15 लीटर की जो टंकी होती है, 20 से 25 मिलीलीटर दवा जो है आप छाटेंगे, तो उसकी बढ़वार रुक जाएगी और आपकी जो या बॉल्स फिर है है ना। बड़ी बड़ी लगेगी, अच्छा बड़ी बड़ी लगेगी। तो आप जो है आप 2 बार करके छाट सकते हैं। बाकी जो है ना, आप जब सीधे साधे जो है ना, 5 फीट का जैसे ही हो, उसे डी टॉपिंग कहते हैं भैया। मेरे यहाँ मैं वर्षों से करा रहा हूँ, 2007 से, और काश्तकार इसको करते हैं, और कई इसके प्रदर्शन लगे हैं, उसमें 15 से 20% पैदावार केवल सिर तोड़ने से बढ़ती है। तीन हो गया। चौथा ये है कि हमारे यहाँ जो है वो कपास में एक बीमारी लगती है, जो शाम को तो आप देख कर गया है, तो वो जो है ना फसल बिल्कुल ठीक खड़ी है, सुबह जाके देखते हैं कि 25 से 30% पौधे जो है ना वो बिल्कुल जो है मुरझाए हो जाते हैं और वो सूख जाते हैं। इसको पैराबिल्ट बीमारी कहते हैं। होती है आपके यहाँ ये पैराबिल्ट बीमारी होती है भाई? नहीं नहीं सर, कम है बहुत। हेलो ये तो सब जगह होती है भाई आप देखना, सब जगह होती है। तो इस बीमारी के लिए हमने बहुत बढ़िया इलाज चालू किया है, सब जगह होती है, आप ध्यान रखना। तो उसमें आपके यहाँ एनपीके खाद का एक एक एकड़ के लिए एक एक किलो का जो है एनपीके, 19 19 19 का आता है, 20 20 20 20 का आता है एनपीके। और उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट एक 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 किलो का लेकर के अगर आप उसमें छाटेंगे, तो उससे दो फायदे होंगे कि एक तो पैराविल तो नहीं होगी, लेकिन हमारे यहाँ यूरिया और डीएपी, यूरिया और डीएपी कोई पोटास वोटास डालता डोलता नहीं है। तो ये जो एनपीके जो अब आप डालोगे, तो उसमें पोटास भी उसको मिलेगा, और पोटास जब मिलता है तो पौधा जो है ना चमक जो है आपकी रुई भी चमकदार होती है, पौधा भी सशक्त होता है, और इसमें बीमारी से और कीड़े से लड़ने की इसकी ताकत बढ़ती है। तो चौथा बिंदु मैंने ये बताया कि एनपीके और इसका जो है स्प्रे करना चाहिए, इससे फसल को खाद भी मिलता है।
खाद मिलता है एनपीके ने, मतलब नाइट्रोजन, यूरिया, पोटास मिलता है, फास्फोरस मिलता है, तो चौथा है। और पांचवा ये जो है, अपनी जब आप बोते हैं तो कई बार उसके जो है फूल फूल गिरते हैं और फल भी जो है गिर जाते हैं, मतलब बिना वो बोल बने। तो उसके लिए एक प्लेनोफिक्स दवाई आती है, वो प्लेनोफिक्स दवाई बहुत सस्ती है। आप जो है एक जो वो 15 लीटर की जो मशीन है उसमें आप केवल 5 मिलीलीटर, 5 मिलीलीटर का मतलब आपका जो चाय का चम्मच जितनी दवाई उसमें मिला करके आप चाटेंगे, तो उससे जो है वो आपके फूल खिलना और वो खिलना और वो सब बंद हो जाएंगे। तो ये चार पांच जो चीजें की हैं, ये मंत्र है। आप ऐसे कीजिए और वैसे कीजिए, मैं आगे बहुत नहीं करके और ये बता रहा हूँ, ये पांच पांच छह मंत्र जो मैंने बताए हैं आप करेंगे, आपके यहाँ की पैदावार तो बहुत कम है भाई। मेरे यहाँ की पैदावार इस साल जो है ना, आपके यहाँ की पैदावार है 1 हेक्टेयर में, मतलब ढाई ढाई एकड़ में आपकी पैदावार रुई की 360 किलो रुई है, और मेरे यहाँ की पैदावार आप सुनकर के ताजुब करेंगे, यहाँ की पैदावार 1020 किलो से लेकर 1310 किलो रुई प्रति हेक्टेयर हुई। तो अगर मतलब आपसे चार गुनी भीलवाड़ा की मैं बता रहा हूं, और ये इसलिए बता रहा हूं कि ये पैदावार पूरे हिंदुस्तान की ही 560 है, और पूरी दुनिया की जो औसत है वो 744 किलो रुई प्रति हेक्टेयर की है। तो ये सब मंत्र हमने साधे हैं तब जाकर के इसकी पैदावार बढ़ी है। अब मैं आपको बताता हूं कि खर्चे कैसे करें, कम करें। खर्चे कम करने के लिए है कि सारे साधन जितने भी काश्तकार हैं उनके यहाँ जानवर निश्चित पाले जाते हैं, पशुपालन, गाय भैंस वगैरह ये जो है, तो सारी सुविधाएं हैं। तो आपके यहाँ जो भी जिसके यहाँ दूध होता है वगैरह, उसके यहाँ छाछ जरूर होती है, मट्ठा कहते हैं, क्या कहते हैं आपके यहाँ, उस छाछ को मटके में आप डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, और जितना आपके गाय या भैंस का मूत्र है वो उसमें डाल दीजिए, डाल करके और उसको 5-7 दिन सड़ाइए, सड़ा करके और वो जो है फिर इसमें से 2 लीटर आपकी जो टंकी है, जो दवा छाटने की मशीन है 15 लीटर की, उसमें 2 लीटर मिला के बाकी पानी मिला के छाटेंगे, तो आपके जितनी तरह के कीड़े हैं चूसने वाले, ये तरतरी आप कहते हैं तो इनके, जैसे जेसिड कहते हैं, एफिड्स कहते हैं, थ्रिप्स कहते हैं, तो ये सब जो है ना, जो चूसने वाले कीड़े वगैरह वो सब समाप्त हो जाएंगे। बाजार से आपको कोई दवा नहीं लेना पड़ेगा। अब इसको और जो कभी और भी लग रहा है उसमें, तो आप उसमें नीम नीम के पत्ते डाल सकते हैं, धतूरे के पत्ते डाल सकते हैं, आंकड़े के पत्ते डाल सकते हैं, एलोवेरा डाल सकते हैं, आपके यहाँ गाजर घास है तो वो भी डाल सकते हैं, और उसको 15 दिन सड़ा करके छान करके रख लीजिए, और आप जो है उसमें 2 लीटर डाल करके और पानी से डालेंगे, तो जितने कपास के कीड़े हैं या और कोई फसल के कीड़े हैं, चने के कीड़े हैं या उसमें और आप जो भी समझते हैं वगैरह, तो वो डालेंगे, मिर्ची भी डाल सकते हैं, तो आप डालेंगे तो कीड़े मरेंगे। और दूसरी बात, गौमूत्र और इसमें जो पोषक तत्व होते हैं, आपकी फसल भी बिल्कुल हरी रहेगी, बढ़िया रहेगी, और जो बड़ी
बड़ी कीमत दे करके आप लाते हैं, जो दवा बाजार से, वो तो जहर है। गलती से अगर जो है ना हमारे बाल बच्चों ने या छाटने वाले ने असावधानी की तो उसके भी उसका मृत्यु का कारण बन जाती है। और जमीन में जाती है तो वो जो है जमीन को खराब करती है, पानी में मिल जाती तो पानी जहरीला होता है, और आप जो छांटते हैं तो आकाश में तो उड़ती उड़ती है उसकी फुहारें, तो आकाश में भी जो है वो जहर घुल जाता है। और भाई ये है, आप मिर्ची की बात कर रहे हैं, हरी मिर्ची भी बात करते हैं, हरी सर आपकी मिर्ची जब आवाज जो है नहीं आ रही है मेरी, हेलो शर्मा हेलो, नहीं आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है अभी। तो वो जो है, अगर आप जो है हरी मिर्ची, आप जो भी माली लोग बेचते हैं बाजार में जा करके, तो कई बार दवा छाटी हुई और उसको जो है 2 दिन पहले 3 दिन पहले और तोड़ताड़ करके और वो जो है ले जाते हैं। कौन खाता है? आप खाते हो, आपके बच्चे खाते हैं, आपके पड़ोसी खाते हैं, आपके जिले के आदमी खाते हैं, अगर बाहर जाती तो बाहर के आदमी खाते हैं। तो भाई कोई ना कोई बीमारी पैदा करता है ये। तो दूसरा आपको कि भाई हमें तुरंत फुरत जो है कोई चीज बनानी है, मतलब हमें कीड़े मारने हैं, और आपके यहाँ मिर्ची होती है, आपने अभी कहा था, तो आधा किलो मिर्ची लेकर के अच्छा पीस लीजिए, और लहसुन जो होता है, प्याज तो होता ही होता है आपके यहाँ, लहसुन भी होता ही होता होगा और हाँ खाते ही होंगे, तो आधा किलो लहसुन को अच्छा पीस लीजिए, दोनों को पीस करके, और फिर अच्छा पीस करके, और एक बाल्टी में 5 लीटर के करीब पानी लेकर के उसको अच्छा घोल लीजिए, घोल करके छान लीजिए, 140 से 150 लीटर पानी में मिला करके और अब मशीनों में भर करके छाटेंगे, तो आपके कीड़े मरेंगे। इसमें कहाँ पैसा, ज्यादा पैसा लग नहीं रहा। मिर्ची का आधा किलो का वही 30 रुपया, 25-30 रुपया लगेगा, और इसका लगेगा, और इसमें आप जो है ना दवा छाट करके दूसरे दिन ही खा सकते हैं, उसी दिन भी खा सकते हैं, जहर नहीं है ये। तो ये बात जो है ना, खर्चे कैसे कम करें, ये खर्चे की मैंने बताई। अब आपकी गुलाबी बोंडी की जो बात करते हैं, वो गुलाबी बोंडी के लिए भाई आपके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, इसका लिए प्रबंध करना पड़ेगा। आपके यहाँ बहुत से काश्तकार होंगे जो अप्रैल में ही बो देते हैं, कुछ मई महीने में बो देते हैं, कुछ जो है बारिश के साथ बोते हैं। तो आप जब भी बुआई करें, जो आपके गांव में आसपास के और जो खेत हैं उनसे कहें भाई, जब भी बुआई करनी हो, चाहे बरसात के साथ करनी हो या और किसी के साथ करनी हो, तो एक समय बांध लें, तो भाई इस समय में 15-20 दिन में बुआई सब कर दें। अगर आप जो है ना, आपने अप्रैल में उसी गांव में की और मई महीने भी कर ली और जून में भी कर ली आपने और एक बरसात में कर ली, तो वो जो गुलाबी सुंडी है, वो बोंडी, उसको जो है अपनी पीढ़ियां पैदा करने के लिए आप निमंत्रण देंगे, तो उसके लिए सारी सुविधा देंगे। कोई कोई यात्रा कर रहा है और उस यात्रा में उसके जगह जगह खाने की भी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, तो वो बड़े आराम से यात्रा करेगा। और अगर उसको रास्ते में केवल एक जगह ही खाना मिला और दूसरी जगह जो है कोई पानी की व्यवस्था नहीं, तो वो अपनी यात्रा छोड़ देगा। तो पहला ये करना है कि जब भी बुआई करें तो कम से कम कम गांव से कम वाले और गांव सब, वाले यहाँ गांव वाले और सब मिल करके, तो भाई इस समय में अपन 15-20 दिन में सब बुआई कर ले। दूसरा बिंदु यह है कि बाजार में आप जाते हैं बीज के लिए, तो वे व्यापारी कहते, अरे भाई ये देखो इसका बीज जो है अजीत का बहुत बढ़िया आया है, राशि कंपनी का बहुत अच्छा आया है, नाजीवुडू का बहुत अच्छा आया वगैरह, इस पर बैंक के ये नहीं करें। आप उस व्यापारी सर से कहें, हेलो कौन है। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है।
आप व्यापारी से कहें भैया मुझे वो बीज दीजिए जो 140 से 160 दिन में पक जाए, मतलब जो छोटी अवधि का, छोटे समय में, कम समय में पकने वाला बीज दो, 140 से बिल्कुल 160 दिन में। तो ये ध्यान आप रख करके और फिर बुआई करनी चाहिए। स्वयं को पता लंबी अवधि के जो बीज हैं, जो 210 दिन में पकने वाले, 180 दिन में पकने वाले, तो उन बीजों को आप भूल कर भी नहीं खरीदें। अब दूसरा, जब जिस समय आपकी जो फसल पक जाती है, आपने सारी चुनाई कर ली, सब कर ली, तो उस खेत को तुरंत हकवा दें। जैसे ही फसल समाप्त हो, जहां तक हो नवंबर महीने तक आप जो है वो दवाई, वो जो है फसल ले लें, और उसके बाद जो है ना, जैसे ही हो उसको आप हल चलवा दें, आप डिस्क प्लो चला दें, रोटावेटर चलवा दें, कुछ भी ठीक है ना, मैं करें। पूछूं मैं उसका तो अब उसमें होता क्या है कि ये जो गुलाबी कैसा बोंड वो पेपर का है, यानी बैंक के फाइल लाउंज है। गुलाबी बोंडी जो होती है, गुलाबी सुंडी जो होती है, उसका 4 स्टेज से गुजरती प्यूपा होता है, वो अच्छा जमीन उसका के है ना, अंदर फर्स्ट रहता फाइल का मार्क्स है ना, बैंक ऑफ इंडिया फाइल लाउंज है। है, वो जो है उसके अंदर रहता है। तो जैसे ही आप करेंगे तो बगले जो है, जैसे आप हल चलवाएंगे, ट्रैक्टर चलवाएंगे, तो बगले पीछे पीछे चुनते हुए जाएंगे, उनको खाएंगे, बाकी सूरज की रोशनी से मर जाएंगे। तो सही सिक्का नहीं लग रहा तुझे भाई? ये चीजें मैंने अरे आपको कुछ बताई है। हाँ, एक बात जो आपको बहुत जरूरी, जो सही कोई बताता नहीं है, वो ये है कि कभी भी आप किसी भी कपास में जब भी दवाई छांटें, जब भी कीड़े मारने के लिए दवाई छांटें, ये इसके दवाइयां बताए नहीं, तो ये फोकस दवाइयां जो है आप कर। भूल कर भी पहली बार नहीं छाटे हैं। जैसे रोगोर है, मोनोक्रोटोफास है, इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटाक्लोप्रिड है, चिपकुन मारा सिक्का चिपकुन नहीं क्या आपको पसंद नहीं आ रहा है क्या? हेलो, सर, नहीं। हाँ सर बोलिए। एसीफेट है, ये दवाई कभी भी भूल कर नहीं छांटे कपास में पहली बार। पहली बार जब भी दवाई छांट रहे हैं, अगर आप छांटेंगे तो गुलाबी सुंडी आपके आपके खेत में जरूर प्रवेश करेगी। क्या छांटे हैं पहली बार में दवाई छांटे हैं? प्रोपेनफास दवाई आती है, प्रोपेनफास या क्यूनलफास या लार्विन नाम की दवाई आती, तीनों में से कोई भी दवा, जो प्रोपेनोफास और क्यूनलफास में तो 30, उसमें जो है 30 मिलीलीटर प्रति टंकी, मतलब आपका जो 15 लीटर की होती है, ये दोनों में से 30, और लार्विन जो है पाउडर आता है, उस पाउडर में 30 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से आप छांटते हैं। और कभी भी भूल कर, देखिए आपको ये जो दवाइयां वाले बड़े भ्रमित करते हैं, कभी भी भूल करके प्रोपेनफास में आजकल जो है ना वो सिंथेटिक पाइरोथ्राइड, सुमेसिडीन, फेनब्रिलेट दोनों मिला करके और दवाई बना दी उनने, मिक्सचर। कभी भी सिंथेटिक पाइरोथ्राइड, जिसमें सुमेसिडीन, फेनब्रिलेट वगैरह, साइपरमेथ्रिन वगैरह जो भी हो, कभी नहीं छांटते हैं। अगर आपने छांटा तो सफेद मक्खी आपके आएगी और वो जो है गुलाबी सुंडी भी जरूर आएगी। तो इसको तो 120 दिन, आपके यहाँ जो है 120 दिन की कहते हैं, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल छांटना ही नहीं चाहिए जितनी भी सिंथेटिक पाइरोथ्राइड। तो ये जो सावधानियां आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पैदावार अच्छी होगी। और गुलाबी, अभी ये कस्तूरी की बात कर रहे थे, कस्तूरी में यह है कि
उसमें कोई कचरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सफेद होनी चाहिए। तो भाई ये गुलाबी सुंडी तो सफेद रखती नहीं है, एक तो ये बिनोला भी खाती है, वो बीज खाती है, रुई खाती है, और वो रुई को भी पीला पटक देती है। तो जब पीला पड़ जाएगा तो भाई वो कस्तूरी कहाँ रहा, वो तो जो है जैसे किसी सफेद कपड़े पर पान का पीक थूक दिया हो और वो कपड़ा बिगड़ जाता, वैसे ही हिसाब हो जाता है। तो इसके लिए ये सावधानी रखना बहुत जरूरी है। अब आपके कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब जितना मैं जानता हूं आपको देने की कोशिश। ओके हेलो, सर, हाँ सतीश सर, आपल्याला काही विचारायचं आहे शर्मा सरांना? नहीं, एकदम सुंदर माहिती दिली यार। हेलो हेलो, हाँ हेलो, जी हाँ सर, एक्चुअल जो कितना ये अंतर होना चाहिए दो, इसमें यानी एक बाय एक पे भी लगा सकते हैं अपन? देखो 3 बाई 1 जो है ना, अगर आपका देखो अब आपके पास पानी है और आप पिलाते पिला करके करते हैं सिंचाई करके, तो हाँ आप 3 बाई 1 पर लगाइए। बाकी आपके यहाँ जो है ना, अगर बरसात के साथ कर रहे हो तो 3 बाई आधा फीट पे लगाइए। बरसात अच्छी रहती है हमारे पास में, हमारे तरफ आधा फीट पे भी हो जाता है हाँ ना? हाँ बिल्कुल होता है। आपके यहाँ जो है ना, नागपुर वगैरह में प्रोजेक्ट चल रहा है, वर्धा में चल रहा है, मैंने बताया ना आपको, और 3 बाई 1 पर जो है, मैं 3 बाई आधा पर करते हैं। लेकिन आप 3 बाई आधा पर करें न करें, लेकिन 3 बाई 1 पर 1 फीट पर जरूर करें। अच्छा सर, एक बात है, यहाँ से हाँ मैडम आप जी भी बैठो, काटन कस्तूरी ब्रांड में काटन, इसमें हाँ अपने कंपनी के बाजू में एक खेड़ा है कि जहाँ पे मैंने पूरा वो गाविच डिपेंड ऑन इस पे खेती के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी तो मेरा इस बार एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि एक पूरे गांव में एक वान, जिसको बोलते हैं अपन एक वान, कपास मतलब का एक एक ही, वान एक गांव। हाँ मतलब एक गांव, यही यही कहना चाहते हो ना, हाँ सर, वान हाँ का सर, मतलब एक गांव में किस्म, एक ही वान। हाँ एक वैरायटी। ये बहुत अच्छा है, मैं भी कई बार जो है ना इसके लिए सोचता हूँ, तो ये तो बहुत अच्छा है। हाँ तो इसलिए लेकिन ये, काश्तकार करता क्यों नहीं, मैं इसलिए नहीं करता कि बीज की गारंटी कहाँ है, यस यस यस, बिल्कुल बराबर। बीज की गारंटी कहाँ है। तो हाँ काश्तकार जो है ना, एक ही काश्तकार दो 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 तीन तीन वैरायटी बोता है। अब आप, हाँ मैं आपको बताता हूँ कि हमारे राजस्थान में और इसमें मध्य प्रदेश में जो है ना प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उनने क्या किया कि वो जो है ना, वो लंबा लंबे रेशे का कपास जो है हाँ ना, उसका प्रोजेक्ट है। तो अच्छा वहां से आंध्र प्रदेश से उनने बीज भेज दिया अच्छा प्लेटिनम करके, प्लेटिनम करके बीज भेज दिया। और वो बीज जो है अभी तक उसके जो है वो बॉल्स जो है वो खिले ही नहीं है। काश्तकारों ने हल चला दिए और स्थिति यह हुई कि हमारे जो वर्कर हैं वो हाँ उन गांवों में नहीं जा सकते। अरे बात समझ यार, में रहे हो? बहुत नुकसान हो गया ना वो। हाँ, खेत में हल चलाने पड़े वगैरह, और उनने पुलिस रिपोर्ट करा दी कि साहब इनने हमें ठग लिया, जबकि वो तो सरकार का वो था। तो मैं आपको ये राय दूंगा, कभी इस पचड़े में, मैं आप नाजिब इडू को बताता हूँ, नाजिब इडू ने 2 साल पहले हमें 100 पैकेट दिए भाई, एक एनसीएच करके 22-23, और 22-23 हमारे काश्तकारों को, मेरे वर्कर थे उनको जो है डिमोस्ट्रेशन के लिए दे दिया। अब दे दिए तो वो फेल्योर हुआ, मतलब नजीब इडू जो है ना कोई सामान साधारण कंपनी तो है नहीं बीज की। हाँ अब उनके एमडी से और उनसे बात की, मैंने कहा साहब ये क्या कर दिया हमारे, तो क्योंकि ज्यादा थे नहीं वगैरह, तो वो काश्तकारों का विश्वास भी है उनका। मैंने कहा भाई, मैंने हमने तो आपको एक्सपेरिमेंट के लिए दिए थे, अब वो जो है ना, तो
तो उनके एमडी से बात की तो उनने कहा साहब हमने रेगिस्तान के हिसाब से दे दी। अरे भैया काशकार का तो मरण हो गया और हम हाँ को जवाब देना भारी पड़ गया। तो भैया मेरी सलाह है, मेरी सलाह जी कभी भी बीज के पचड़े में काशकार जो ला रहा है उसको लाने दो। आप हाँ एक एक में मान लो वो बीज का लोट खराब हो गया तो वो आपको पकड़ेंगे, अरे भाई तुमने कहा था ना क्या हुआ है? या वो फेलियर हुआ या उसके जो है ना बॉल्स जो है आए ही नहीं, देर से आए, लंबी अवधि का है या किसका है? तो मैं तो भाई सन 63 में भी एक बार एससी इंदौर वन जो है ना सरकार ने बीज दिया था, मैं सरकारी आदमी रहा हूँ, हमने दिया वगैरह, वो बीज जो है वो उगा ही नहीं और कुछ होगा और उगते ही और उसमें खत्म हो गया। तो एक बड़ा हंगामा हो गया विधानसभा में और उसमें और वगैरह सब अफसरों के तबादले हुए और सब हुए। अच्छा मेरी व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत राय आप इस पचड़े में नहीं तो है। पढ़ना चाहिए। अच्छा सर, बिल्कुल बराबर। हाँ, क्योंकि मेरे तो वर्षों का कई कई फसलें जो है ना कई किस्में फेल हुई है, उन फेल हुई हाँ। मैं मेरे यहाँ जो है ना या आपके सीआईसीआर जो नागपुर वाली है उनने कहा ये बीज आपको लगाना पड़ेगा और वो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है 600 डेमोस्ट्रेशन के लिए। मैंने कहा नहीं लगाऊंगा, ये नहीं हो सकता। जो सरकार द्वारा हमारी कितनी राजस्थान दस्तावेज हमारे सरकार सिंह से के लिए। अप्रूव्ड है वही हाँ काश्तकार की पसंद होगा वही लगाएगा, मैं हाँ बीज के ठीक हाथ नहीं लगाऊंगा। और है ना सर। मैं तो बच गया, लेकिन वो जो है ना मध्य प्रदेश वाले फंस के वो बेचारे जो है ना वो बड़ी स्थिति जो है खराब हो गई। तो ठीक है सर, नहीं और करेंगे, नहीं कोई करेंगे, प्रश्न वो हो? काश्तकारों के हिसाब से करेंगे अपन। देखो एक बात मैं बताता हूँ, मैं हर साल नई चीज करता हूँ, एक हाँ माइकोराइजा करके और जो है ना फफूंदी है जिसको बायो फर्टिलाइजर जो करें उसका हाँ मैंने कपास में हिंदुस्तान में मैंने किया प्रयोग और उसकी काश्तकार इतने वो जो है ना है अब वो गेहूं में भी डाल रहे हैं, अफीम में भी डाल रहे हैं, चने में भी डाल रहे हैं, पैदावार जो है उसके बढ़ जाती है। उसमें क्या होता है कि ये जो आप डीएपी डालते हो या सुपर फास्फेट डालते हो तो ये माइक्रोराइजर केवल फसल को 30% ही काम दे होता है और देता है, बाकी फिक्स हो जाता बेसिट है। जाता है पूरा। हाँ, हाँ लंगड़ा खाद है। तो वो जो फंगस है वो क्या है कि उसके ऊपर लग करके जड़ों को 3 गुनी नीचे ले जाता है, तीन को नहीं ले जाता। तो जो फिक्स खाद है आपका फॉस्फेट का उसको जो है फसलों को उपलब्ध कराता है और जो जड़ 3 गुनी नीचे जाएगी तो वो उसमें जो आपके जो पोषक तत्व है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनको भी अवेलेबल कराता है। जड़ मजबूत होगी तो पौधा भी मजबूत मजबूत होगा। होगा, हाँ, तो बराबर कीड़े कम बीमारी होंगे, भी बिल्कुल उसमें कम लगेंगे और फल भी अच्छे लगेंगे। तो बराबर। भैया मैं आपसे ये कह रहा हूं अगली बार माइकोराइजा मैंने राय दी थी उनको जो नागपुर में हमारे समकक्ष है तो उनने कहा शर्मा साहब आपके कहने से हमने 15 जगह जो है करवाया। तो खैर जो भी है मैं माइकोराज आज आपको एक नया मंत्र दे करके जा रहा हूं, आप उसको ज्वार में डाल सकते हैं, मिर्ची में डाल सकते हैं, फलदार पौधे में डाल सकते हैं। और कितना 1 एकड़ में हमने जो डलवाया है वो 4 किलो, 4 किलो माइकोराइजा का। वो जो है ना जब आप खाद डालते हैं और जमीन गीली होनी ऐसा चाहिए और आप डालते हैं तो 15 दिन में 9 इंच, 9 इंच जो है ना वो पौधा बड़ा। कितना? और आपको डीएपी भी कम डालना पड़ेगा, माइक्रोवेव माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कम डालना पड़ेगा। तो मैं चूंकि आपने बहुत इंटरेस्ट थैंक यू सर, है और थैंक इस ढंग से एक गांव, हाँ, तो ये आप माइकोराइजा जरूर करें, हर कंपनी बना रही है, हर खाद की कंपनी बना रही है सब। तो और कोई प्रश्न नहीं हो तो मैं आपसे राम राम करके विदा लेना चाहूंगा। राम राम धन्यवाद। सर, राम 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 राम। थैंक यू थैंक यू।
वेलकम वेलकम सतीश सर, आपको कैसे वेलकम। लगा शर्मा सर के साथ बात करते हैं? छान छान खूब छान, वेरी गुड, वेरी नाइस। जसं मगाशी शर्मा सरांनी सांगितलं की डी टॉपिंग मशीन कॉटन गुरु मार्फत काही शेतकऱ्यांना म्हणजे काही गावात देण्यात आली आहे. हो हा, तर त्यापैकी एक प्रगतशील शेतकरी आपल्या सोबत इथे जॉईंड आहे, त्यांनी त्या मशीनचा उपयोग केलेला आहे. कोण नाव? हां सांगा ना। विशाल घोडम, विशाल आवाज येत आहे? कसली मशीन आहे मॅडम ती? म्हणजे शेंडे कापायची का? शेंडे खोडायची मशीन आहे. अच्छा विशाल हाँ मॅम, आपल्या सोबत हॅलो। सतीश सर आहेत. हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, बोला। विशाल, आपण जे हाँ शेंडे खोडायचं मशीन कॉटन गुरु मार्फत जे मिळालं आहे आपल्या गावामध्ये, हो त्याचा मॅम। उपयोग तुम्ही पण केला आणि इतर शेतकऱ्यांनी केला, तो कसा आणि त्याचा काय उपयोग झाला आहे याची माहिती तुम्ही सतीश सरांना द्यावी. हॅलो सर। हाँ सर बोला। माझ्या गावामध्ये दहेगावमध्ये शेंडे खोडायची मशीन नाही का, डी टॉपिंग मशीन शेतकऱ्यांनी वापरली, त्यामध्ये कापसाच्या उत्पन्नामध्ये बी वाढ झाली, कारण की जवळजवळ ब्रांचेस करण्यात आले, फांद्या आहेत, फांद्या जवळजवळ करण्यात आले, आणि जे फांद्या जवळजवळ केल्यामुळे नाही का फळधारणा चांगल्या प्रकारे झाली आणि कापसाच्या उत्पन्नामध्ये वाढ झाली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांची जास्तीत जास्त मागणी आहे त्या मशीनसाठी। अच्छा हाँ, सर, हे आणि मशीन फक्त त्यांनी जे कापसासाठीच पेरणीची, नाही, इतर क्रॉप साठी आपल्याला वापरता येऊ शकत, हो, त्याचा तुरीसाठी उपयोग. वापरू शकता सर। हो, हाँ सोयाबीन साठी वापरता येईल ना? सोयाबीन साठी सोयाबीन साठी नाही सर, सोयाबीन नाही, कसं म्हणजे सोयाबीनची वाढीव राहते ना। तुरी तुरी जर आमच्याकडे कमीच होते म्हणा, पण कॉटन आपल्याकडे आहे भरपूर प्रमाणामध्ये। मॅडम त्याचं काय आहे हाँ ते फोटो वगैरे टाका ना, मला व्हॉट्सअपला टाका तुम्ही किंवा हो ग्रुपवर सर, मी टाका आपल्या। त्याची त्याचे व्हिडिओ आहेत आपल्याकडे. हो आणि दुसरं एक मशीन म्हणजे टेक्सपोसिल, ज्यांच्या साठी आपण हे आज वेबिनार केलं, कस्तुरी ब्रँड, त्यांनी आपल्याला एक कॉटन हार्वेस्टिंग मशीन सुद्धा दिलेलं आहे. अच्छा हा, तर त्याचाही उपयोग ह्या शेतकऱ्यांनी केलेला आहे. विशाल, मशीनने कापूस वेचल्याचा आणि हाताने कापूस वेचल्याचा काय फरक आहे सांगा थोडक्यात सरांना. सर मशीन कापल्यासुद्धा तर कापूस असतात, म्हणजे मोकळा मोकळा कापूस दिसतात, आणि ज्या त्याच्यामध्ये पालापाचोळा जास्त प्रमाणात दिसतात, आणि जे मशीन म्हणजे मशीनला जर आपण हाताने वेचला तर पाला जे खालचा कापसाचा पाला राहते ते कापसामध्ये मिक्स होल्या होत असतात, आणि जे मशीनने वेचला ते जे पालाचा कम प्रमाण कमी असतात आणि काळी कचरा वगैरे काहीच नसतात, आणि कापूस आहे जे धागा आहे लेन ते चांगलं फुलून दिसतात, त्यामुळे ऐकू आलं जे तुम्हाला त्यांनी कापूस जे मोकळा सांगितलं? दिसला जे। हो सर, हो मॅडम, हो तुम्ही ते व्हिडिओ टाका आपल्या ग्रुपला, बीएपीसीएलच्या ग्रुपला टाका। हो सर, मी आता आपलं वेबिनार संपलं का शेअर करते. ओके आणि थँक्यू। आज आपले कॉटन गुरुचे जे प्रमुख आहे मनीष दागा सर, काही कारणास्तव जॉईन नाही होऊ शकले, ते ट्रॅव्हलिंग मध्ये आहे. बरोबर मनीष सरांनी उत्पन्न वाढवण्यासाठी 5 पॉइंट मंत्र सांगितले आहेत, हो। आय थिंक तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतच असेल. अच्छा विशाल घोडाम आणि इतर गावातील शेतकऱ्यांनी हे ह्या वर्षी प्रयोग केला, त्या 5 पॉइंट मंत्राचा यूज केला आणि त्यांना काय फरक दिसला तो स्वतःच तुम्हाला सांगेल. विशाल, सांगू शकतोय? मीनं पेरणीची दिशा चेंज केली सर, मॅक्झिमम पहिले माती परीक्षण केलं, त्याच्यानंतर पेरणीची दिशा चेंज केली, त्यामुळे मला नाही का एकरी 9 ते 10 क्विंटलचा आवरेज आलाय, छान। एकरी 9 ते 10 क्विंटल ना। आता आता मी कापूस पीक काढून नाही का दुसरं पीक घेऊन राहिलो, तीळ तीळ पीक घेऊन राहिलो सर। छान छान, मीनं जे मनीष सरांनी सांगितल्याप्रमाणे 5-5 मंत्राचा वापर केला, त्याच्यामध्ये माती परीक्षण, पेरणीची दिशा आणि शेंडे खोळाचं, असे जे मनीष सरांचा विचार घेऊ घेऊ मी जे
शेतीमध्ये प्रयोग केला, त्याबद्दल मला उत्पन्नामध्ये वाढ भेटलं. मी कमी खर्चामध्ये उत्पन्न झालं सर. छान, व्हेरी गुड. ते आवश्यक आहे कष्टकरांसाठी. छान, दुसरं म्हणजे कमी आता खर्चामध्ये. यांच्या शेतामध्ये इरिगेशन नाहीये, ठिबक नाहीये, पण ज्यांच्या शेतामध्ये ठिबक आहे तिथे आपण मल्चिंग पण आणलेलं आहे. आपण एक प्रयोग केलाय ह्या वर्षी, मल्चिंग वरती कॉटनचं सोईंग केलंय आणि बाकी ते सेम फॉलो, पेरणीची दिशा, डी टॉपिंग, माती परीक्षण आणि त्यात एक चौथा आहे मल्चिंगचा वापर करून, त्याच्यानेही उत्पन्नामध्ये चांगलाच फरक आम्हाला दिसून आलेला आहे. म्हणजे सांगायचं हे आहे की हे जे 5 पॉईंट मंत्र आहे किंवा या व्यतिरिक्त मार्गदर्शन मनीष दागा सर करत असतात शेतकऱ्यांना, आणि स्वतः शेतकरी त्याच्यात काय फरक दिसून येतो ते त्यांच्या मार्फतच आम्हाला फोन करून सांगतात किंवा आमचं विजिट होतात. आता हे शेतकरी आहेत, हे दहेगावचे आहेत, घाटंजी मध्ये आमच्या फील्ड विजिट होत असतात, आम्ही स्वतः शेतात जाऊन ते बघतो, त्यांना काय फरक दिसून आलाय ते फोटो व्हिडिओ मार्फत आम्हाला सांगत असतात. गुड, व्हेरी गुड. आता जर सर जॉईंड असते तर माझ्यापेक्षा छान किंवा विशालपेक्षा छान सरांनी सांगितलं असतं. आपण परत एकदा मीटिंग अरेंज करू किंवा कॉल घेऊ मनीष सरांसोबत. बिलकुल बिलकुल बिलकुल. आणि आपला कॉटन गुरु महा एफपीओचं मोबाईल वरती एक ऍप पण आहे, त्याच्याने बाजार भाव काय आहे, वेदर रिपोर्ट काय आहे, किंवा एखादा डिसीज तुम्हाला दिसतोय शेतामध्ये त्याचा फोटो काढून तुम्ही त्याच्यावर अपलोड केला ना, तर तिथे एक्सपर्ट आपल्या जॉईंट त्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत, तर त्याचं काय निदान आहे किंवा काय केलं पाहिजे याचं उत्तर तुम्हाला लगेच तिथे मिळेल. ठीक मॅडम, काही हरकत नाही. बिलकुल, आम्ही आम्ही तुम्हाला कळवू त्या पद्धतीनं. आम्हाला सहकार्याची गरज आहे, आपल्या भागामध्ये एक वेगळं काम करायचं आहे कंपनीच्या माध्यमातून, आपण ते करूया. ओके सर, मी तसं कॉल करेलच उद्या तुम्हाला, आपण बोलू या विषयावर. ओके, थँक्यू. ओके, थँक्यू. थँक्यू विशाल. ठीक, थँक्यू सर्वांना आजच्या वेबिनार मध्ये आपण जॉईन झालात. थँक्यू शर्मा सर, आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन हमें किया, कम खर्चे में अधिक उत्पन्न कैसे लिया जा सके इसके ऊपर हमारे एफपीओ के किसान भाइयों को और डायरेक्टर्स को जानकारी दी. और थैंक यू मनीष बहुत सर बहुत जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम नए एफपीओ के साथ यहाँ पे जुड़ सके. धन्यवाद मैम तुमचा. थैंक यू सतीश सर.